अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए। तो जिस तरह की हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया, तो आप 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इस वीडियो को उसमें से देख सकती हैं। तो इसको हम उसमें से सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसको हम उसमें से लिखते हैं कि 243 की पावर -2/3 और 32 की होल पावर उसमें से -1/5। और इसको जब हम उसमें से फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 196 और ये -1 है और ये इसमें से 1/2 यानी -1/2। तो ये इक्वल टू आता है इसमें हमारे पास 243 की होल पावर -2/3 और 32 की पावर -1/5 और ये इसमें से नीचे हमारे पास आ जाता है 196 की होल पावर -1/2। तो इधर हम स्टूडेंट्स अपने माइंड का यूज करेंगे और जो है ना पावर्स को पहले पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए हम स्टूडेंट्स इस ऊपर वाली टर्म्स को नीचे लेकर आएंगे और नीचे वाली टर्म को ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारे पास जो पावर्स होती हैं वो उसमें से उनका साइन चेंज हो जाता है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास जब 196 ऊपर मिल जाएगा 1/2 हो जाएगा पॉजिटिव का और इस तरह से 243 जब नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2/3। तो इस साथ आ जाएगा इसमें सर 32 और 1/5। तो इधर हम स्टूडेंट्स अपने माइंड का यूज करेंगे और 196 को एक ऐसे नंबर की फॉर्म में लिखेंगे जिसका हम स्केयर लेते हो तो 196 बनता हो, यानी ऐसा नंबर हमने फाइंड करना है जिसका हम स्केयर लें तो वो उसमें से 196 बने। और इसी तरह से स्टूडेंट हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका हम क्यूब लें और वो 243 बनता हो। सिमिलर स्ट्रेस हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका हम स्ट्रेस उसकी पावर 5 लें और वो 32 बनता हो। ताकि हम ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं स्ट्रेस, ताकि हम उनको उनकी पावर से काट सके। ऐसे नंबर को फाइंड करने के लिए बाजू का कैलकुलेटर का यूज करते हैं और बाजू का स्ट्रेस कुछ मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 32 के लिए अगर हम इसमें से कोई नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं इसका हम इस फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है इसमें से 16 और ये आ जाता है हमारे पास 8 और ये फर्दर आ जाएगा 4 और ये इसमें से आ जाता है 2। तो ये हमारे पास आ गया इसमें से 2 × 2 × 2 × 2 और इंटू इसमें से 2 और ये 32 के इक्वल होता है। तो ये इसमें से कितनी पावर बनी है 2 के लिए इसकी पावर 5। इसमें हमारे पास बेस जो है वो उसमें से 2 है और एक्सपोनेंट 5 है, ठीक है। तो इस तरह से 196 के लिए अभी हमारे पास 14 एक ऐसा नंबर आता है जिसका हम स्केयर लें तो हमारे पास 196 बनता है, यानी 14 × 14 तो ये हमारे पास 196 बनता है। तो क्या है इसमें से 14 की पावर 2 ले इसमें से और उसकी होल पावर 1/2 कर ले और ये 32 अगर ये हमने स्ट्रेस 2 एक ऐसा नंबर फाइंड किया जिसकी पावर हम 5 लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 32। इस तरह से स्ट्रेस 243 को भी हम सॉल्व करेंगे और उसके लिए भी हम ऐसे नंबर फाइंड करेंगे जिनका हम क्यूब लें तो वो 243 बनता हो। तो उसके लिए हम स्ट्रेस उसके लिए भी यही मेथड यूज करेंगे, 243 को लिखेंगे इधर। तो इसको हम इसके लिए हम 2 पहले देखते हैं कि 2 के साथ क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता इसमें 2 से। और 3 को हम जब देखते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 20 और ये इसमें फर्दर आ जाता है 20, ठीक है। इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ गया। इधर हमारे पास 3 की पावर 3 × 9 के रेट हमारे पास आ जाता है 243। तो इसको हम स्ट्रेस लिखेंगे 3 की पावर 3 और × 9 और इसकी होल पावर 2/3। इसमें से पावर्स आपस में कट जाएंगे, ये इसके साथ या और ये इसके साथ, तो और इधर से इसमें से जो है ना ये इसको हम अलहदा करते हैं, स्टार पोल कर लेते हैं 14/ तो ये पावर हम इनकी इसमें से अलहदा करेंगे 2/3 और इसमें से 9 की पावर 2 × 3
और ये जो स्क्वेयर है ये हमारे पास है टू, इधर से बच गया। तो जब हम इसको फर्दर करते हैं सॉल्व, टू उसमें से इसके साथ गया तो सेवन आ गया ऊपर, ये हमारे पास आ गया इसमें से सेवन, और ओवर में हमारे पास ये इसके साथ कट गया और ये इसमें से इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यानी थ्री का स्केयर जो है वो उसमें नाइन आ जाएगा। अब हम इस तरह इसको देखते हैं, क्योंकि ये सारी टर्म जो वो सारी सिंप्लीफाई हो गई, बस हमारे पास है ये जो पावर की फॉर्म में बच रहा है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा कि नाइन का स्केयर और उसका रेडिकल इंडेक्स आप थ्री कर लें, ठीक है उसमें। तो इसके आगे मैं इधर ऊपर लिखता हूँ तो क्या होगा इसके आगे, ये इक्वल टू आ जाता है इसमें से हमारे पास सेवन ओवर नाइन, और इधर हमारे पास आ जाता है 81 और ये इसमें से थ्री हो सकता है। क्या हम ऐसा नंबर फाइंड कर सकते हैं जिसका हम क्यूब लें तो वो 81 बने, तो 81 की ये इसमें इसको हम देखते हैं तो थ्री को हम टू से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स और ये सात, तो ये आ जाएगा इसमें इस तरह से। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या इसमें से बात थ्री की पावर जब हम फोर लेते हैं तो हमारे पास 81 बनता है, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन को जब हम थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27, 27 को जब हम इसमें थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 81 बनता है। तो क्या होगा इसमें, ये आ जाएगा इसमें सेवन ओवर नाइन इंटू थ्री की पावर थ्री और सात दिस, और ये आ जाएगा वन ओवर थ्री, जब ये रेडिकल को एक्सपेंड में चेंज करता है तो वन ओवर थ्री बनता है, इसको हम स्ट्रेस से जानते हैं। इस तरह से जब हम इनकी स्ट्रेस से ज्यादा ज्यादा पावर करेंगे तो ये इसके साथ कट जाएगा और थ्री की पावर उसमें से वन ओवर थ्री बच जाएगी। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसमें से उसको मैं लिखता हूँ सेवन ओवर नाइन इंटू थ्री और थ्री की पावर वन ओवर थ्री, तो ये आ जाएगा इसमें से फर्दर सेवन ओवर 27 और इसका रेडिकल इंडेक्स थ्री। तो ये हमारे पास उसमें से फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को उसमें से सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन वार्ड नंबर टू में हमारे पास उसमें से आ जाता है कि टू एक्स की पावर फाइव और वाई की पावर माइनस फोर इंटू माइनस एट एक्स की पावर माइनस थ्री वाई की पावर टू। तो इसको हमें इसमें से सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो पावर नेगेटिव है इनको हम पॉजिटिव करेंगे, यानी तो इनको हम ओवर में लेकर जाएंगे और इस तरह से इसमें से इधर भी माइनस में पावर है इसको भी हम बड़े के नीचे लेकर जाएंगे। तो फिर हम सोचेंगे इसमें से कि हमने क्या करना है, इसके आगे क्या होगा। इसमें से टू एक्स पावर फाइव ओवर वाई की पावर फोर इंटू उसमें से आ जाएगा माइनस एट ओवर एक्स की पावर थ्री और वाई का स्क्वायर। अब हमने स्टूडेंट से चूंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इनका हमने इस्तेमाल करना है, तो हम जानते हैं कि ए की पावर हो एम और ए की पावर हो एन, ये इक्वल होता है एम माइनस एन, ए नॉट इक्वल टू उसमें से जीरो। तो इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इसमें हम इनको आपस में जो है ना वो जब माइनस करेंगे या इधर से हम उसमें से इनको कट कर सकते हैं, यानी इनको हम उसमें से इस तरह से करते हैं सिंप्लीफाई करेंगे टू एक्स की पावर थ्री और एक्स की पावर टू, और ये इसमें से इसको हम इस तरह से तोड़ते हैं टू वाई की पावर टू और टू इंटू उसमें से माइनस एट वाई का स्केयर और एक्स का क्यूब। तो ये इसमें से ए इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल होगा उसमें से क्या बचेगा माइनस सिक्सटीन एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर। इसको हम उसमें फर्दर लिख सकते हैं फोर एक्स ओवर वाई का होल स्केयर, ठीक है। इसमें से पार्ट नंबर थ्री में हमारे पास उसमें से आ जाता है कि एक्स पावर माइनस टू वाई पावर माइनस वन जी पावर माइनस फोर और उसमें से ओवर एक्स पावर फोर वाई पावर माइनस थ्री और जी की पावर उसमें से जीरो, और इस सारे होल इस सारे पूरी टर्म की होल पावर जो है वो माइनस थ्री एस प्लस। इसको हमने इसमें सिंप्लीफाई करना है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए। तो इधर हम इसमें से क्या करेंगे कि ये जो पावर्स हैं इनको उसमें से सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। जिस तरह इनसे जो पहले वाले क्वेश्चन थे उनमें हमने पावर्स को पॉजिटिव करते थे और फिर सॉल्व किया, इस तरह से हम इसको भी इस क्वेश्चन में भी पावर्स को पहले पॉजिटिव करेंगे, यानी इनको हम नीचे लेकर जाएंगे और इस जो नीचे वाले टर्म्स होती है उनको ऊपर लेकर जाकर उनकी जो पावर्स होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी उनका साइन चेंज हो जाता है। तो क्या होगा इसमें से, ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास जब हम वाई पावर माइनस थ्री को ऊपर लेकर जाते हैं तो ये इक्वल टू ये इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और इनको जब हम नीचे लेकर आते हैं तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी इसमें से एक्स की पावर टू और
साथ आ जाएगा इसमें हमारे पास y और z की पावर 4, और ये जो नीचे वाली टर्म है इसमें से ये आ जाएगा x की पावर 4 और z की पावर इसमें से 0 जो है ये हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस सारे की होल पावर जो इसमें से ये है -3 y स्क्वायर इनटू y, और ये जस्ट में हम देख सकते हैं कि x स्क्वायर और x की पावर है 4 यानी a की पावर m और ये इसमें मल्टीप्लाई हो रही होगा a की पावर n से, तो ये बेस m हो तो पावर आपस में जमा हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या आएगा x की पावर 2 प्लस 4 6 हो जाएगा और ये इसमें साथ आ जाएगा y और z की पावर 4 और सारे की होल पावर आ जाएगी -3। तो ये इसमें जो है ये कट जाएगा y y के साथ भी, यहाँ तो ये फर्दर आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर ओवर x की पावर 6 z की पावर 4, तो इस तरह की होल पावर -3। तो अब हम इसमें से इस होल पावर को पॉजिटिव करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे नीचे वाले टर्म को ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर वाले को जब हम नीचे करते हैं तो इन सारे के जो साइन है प्लस वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि x की पावर 6 z की पावर 4 ओवर y की पावर 6, इस सारे की स्पेस में -1 ले लेते हैं पावर और इस और ये -3 ये साथ आ जाएगा। अब उसमें से ये पावर जो वापस में मल्टीप्लाई होती है तो -1 और -3 ये +3 हो जाएगा, तो क्या आएगा इसमें से x की पावर 6 z की पावर 4 ओवर y की पावर 2 और ये इसमें होल पावर आ जाएगी +3। अब हम इसमें से क्या करेंगे ये इक्वल टू आ जाएगा इसमें हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, अब हम पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये आ जाएगा x की पावर 18 और z की पावर इसमें से 4 12 और ये आ जाएगा नीचे इसमें से y की पावर 6। अब हमारे पास इसमें से पार्ट नंबर 4 आ जाता है, उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको सिंपलीफाई करना है यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे इसमें से इधर हम इसको गौर से देखेंगे और नोट करते हैं हम ये इसमें से ये जो सारी टर्म है ये 3 की पावर में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो 3 की पावर में हम इनको लिखने की कोशिश करते हैं, तो 81 को उसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं 81 3 की पावर 4 होती है और ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू उसमें से 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 है और साथ उसमें हम इसको इस तरह से -1 पावर को लेदर कर सकते हैं। ठीक है, बेस एम पावर आपस में फिर बाद में जमा हो सकती है और ये इसमें हमारे पास फर्दर आ जाता है 243 जो होता है ये इक्वल टू होता है इसमें से थ्री की पावर 5 के। ठीक है इसमें से, तो और नीचे हमारे पास आ जाएगा इसमें से 9 की पावर 2 एन है, तो जब हम 9 को 3 की पावर 2 में लिखते हैं और इसकी पावर 2 एन और 3 की पावर इसमें से 3 है, जब हम फर्दर इनको उसमें से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि 3 की पावर 4 एन इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 एन और साथ उसमें से आप कर लेंगे ओवर में, इसको ओवर में ले जाते हैं और ये आ जाएगा उसमें हमारे पास 3 की पावर 5 और ओवर आ जाएगा हमारे पास उसमें 3 की पावर 4 एन साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें 3 की पावर 3। तो ये इसमें से जो एक 3 है ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास फर्दर सॉल्व होने के बाद आ जाएगा 3 की पावर 4 एन इंटू 3 की पावर 5 इंटू उसमें से माइनस 3 की पावर 4 एन और साथ आ जाएगा 3 की पावर 4 नीचे आ जाएगा हमारे पास उसमें से 3 की पावर 4 एन इंटू 3 की पावर 3। अब हम स्टूडेंट्स ऊपर से 3 की पावर 4 एन को कॉमन लेंगे ताकि कॉमन लेने के बाद हम इसे काट सकें, तो कॉमन लेते हैं हमारे 3 की पावर 4 एन को, तो हमारे पास फर्दर आंसर आता है उसमें 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 ओवर उसमें से आ जाता है 3 की पावर 4 एन इंटू 3 की पावर 3, तो ये स्टूडेंट्स इसके साथ कट जाएगा और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 ओवर 3 की पावर उसमें से 3। अब हम इसमें से 3 की पावर 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3 की पावर 2 माइनस 3 और ये इसमें से आ जाएगा 3 की पावर 3, तो ये इसमें से आपस में कट जाएंगे। अब तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास इसमें से 9 माइनस 3 तो ये 6 हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा।
अब हम उसमें से क्वेश्चन नंबर टू को करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में हमें कहा गया कि एक्स पावर ए ओवर एक्स पावर बी और इस तरह की और पावर ए प्लस बी इंटू एक्स पावर बी ओवर एक्स पावर सी इंटू एक्स की पावर होल पावर, इस सारे टर्म की होल पावर है उसमें से बी प्लस सी और इस सारे की होल पावर है सी प्लस ए और एक्स पावर सी एक्स पावर ए, ये जो साइड है उसमें से लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी इक्वल टू है वन की। ठीक है, तो आप मतलब इसमें से ये शो करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल टू है और राइट हैंड साइड हमारे पास वन है, तो इसके लिए आप उसमें से लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे और उसको हम वन के इक्वल टू शो करेंगे। तो कंसिडर साइड को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें से, अब हम ये जो नीचे वाले टर्म है इनको ऊपर लेकर जाएंगे और इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी ए की पावर एम ओवर ए की पावर एन, ये इक्वल टू होती है एम माइनस एन के। ठीक है, तो इस ए इक्वल टू आ जाएंगे इसमें से ए माइनस बी एक्स पावर ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी माइनस सी और होल पावर उसमें से बी प्लस सी इंटू उसमें से एक्स की पावर होल आ जाएंगे हमारे पास सी माइनस ए और सी प्लस ए। अब हम उसमें से इस वाले लॉ को यूज करेंगे ए की पावर एन और होल पावर उसमें से एम, तो ये आपस में जो पावर्स होती हैं वो आपस में इसमें से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो एम एन आ जाएगी। इससे एक और आ जाएगा इसमें से हमारे पास एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू उसमें से आ जाएगी एक्स की पावर बी माइनस सी और बी प्लस सी इंटू उसमें से आ जाएगी हमारे पास एक्स पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए। तो इधर हम उसमें से ये जानते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सिमिलर इसमें आ जाएगा हमारे पास बी स्केयर माइनस सी स्केयर, सिमिलरली एक्स की पावर आ जाएगी सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब हम उसमें से इस लॉ को यूज करेंगे कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, बी से एम हो तो पावर आपस में इसमें से जमा होती है, इस वाले लॉ को यूज करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये इसको सब आपस में कट जाएंगे, ये इसके साथ गया इस तरह से और ये इसको से सब कट गया, तो ये x की पावर आ गई इसमें हमारे पास 0 व्हिच इज इक्वल टू 1 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, थस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, उसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 आ जाता है कि 2 की पावर 1 ओवर 3 27 की पावर 1 ओवर 3 60 की पावर 1 ओवर 2 180 की पावर 1 ओवर 2 इनटू स्टूडेंट से 4 की पावर माइनस 1 ओवर 3 और 9 की पावर 1 ओवर 4, इसको हम इसमें से सिंपलीफाई करना है यानी मुख्तसर करना है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में इसमें से लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको हम इसमें से पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे यानी 27 को किसी नंबर की पावर में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि उसको हम पावर्स को आपस में काट सकें, इस तरह से इसमें हम 60 को ऐसे नंबर की पावर में लिखेंगे जिससे हम उसमें से पावर्स को काट सकें, इस तरह से 180 को ऐसे नंबर की पावर में लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम पावर्स को आपस में काट सकें, और सिंपलीफाई सिमिलर इसमें हम इनको पावर्स में लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसमें क्या आता है 2 की पावर 1 नंबर 3 इंटू उसमें से 27 जो होता है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या होगा इसमें से 3 की पावर 3 इंटू 1 नंबर 3, सिमिलर इसमें 60 नंबर फाइंड करने के लिए हम इस तरह से सिंपल करेंगे 2 30 आ जाए और 2 इंटू उसमें से ये आ जाए, तो हम करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 15 और इस सारे की और पावर उसमें से 1 नंबर 2, ये इक्वल ओवर आ जाएगा हमारे पास उसमें से 1 नंबर 80 के लिए अब हम नंबर फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी हम उसमें से सिमिलरली इसी पैटर्न को यूज करेंगे और 1 नंबर 80 की हम उसमें से ये इक्वल टू आ जाएगा 1 to 90 45, तो क्या होगा उसमें से 2 की पावर 2 इंटू 45 और इस सारे की पावर 1 नंबर 2, सिमिलर इसमें 2 की पावर 2 माइनस 1 नंबर 3 इंटू 3 की पावर 3 सॉरी 3 की पावर 3 की पावर 2 और होल पावर 1 नंबर 4। अब हम इसमें से पावर्स को काट देंगे
और ये इसमें हमारे पास सर टू इसके साथ जाएगा तो ये आ जाएगा, तो क्या आया हमारे पास इसमें से थ्री टू की पावर वन नंबर थ्री इंटू उसमें से थ्री इंटू टू की पावर टू इंटू वन नंबर टू इंटू उसमें से आ जाएगा हमारे पास सर 15 का रिजल्ट, और ये आ जाएगा आ जाएगा फिर इसमें से टू की पावर टू इंटू वन नंबर टू 45 का उसमें से रिजल्ट इंटू टू की पावर माइनस टू ओवर थ्री और थ्री का उसमें से जजर। तो अब हमारे तो ये इसके साथ गया और ये इसमें से इसके साथ कट जाएगा, और इधर हम इसमें देख सकते हैं टू की पावर माइनस टू ओवर थ्री है और ये टू की पावर वन ओवर थ्री है, इन दोनों को हम उसमें से ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि टू की पावर वन ओवर थ्री प्लस टू ओवर थ्री इंटू उसमें से ये जो थ्री है ये इक्वल होता है थ्री इंटू स्केयर रूट ऑफ थ्री, फर्दर इसमें हमारे पास आ जाएगा टू इंटू स्केयर रूट 15 ओवर आ जाएगा इसमें हमारे पास टू इंटू 45 को हम इसमें से इस तरह से लिख सकते हैं 45 इंटू थ्री, और ये आ जाएगा हमारे पास इसमें से इंटू ये जो ये ऊपर चला गया इधर हमने ऐड कर लिया इंटू आ जाएगा इसमें से स्केयर रूट ऑफ थ्री, तो ये इसमें से इसके साथ कट जाएगा और एक बच जाएगा, और ये टू इसके साथ गया और ये जो उसमें से वन नंबर थ्री प्लस टू ओवर थ्री इसको हम जाकर अगर देखें तो ये इक्वल टू होता है वन के, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा इक्वल टू टू की पावर वन साथ आ जाएगा उसमें स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर आ जाएगा उसमें हमारे इसको हम उसमें से लहदा लहदा करेंगे और एडिटर की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दोनों का अलहदा लहदा करके, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ स्केयर रूट ऑफ 15 इंटू स्केयर रूट ऑफ 3, तो ये इसमें से कट जाएंगे दोनों ये इसके साथ, तो फाइनल आंसर हमारा जो आएगा इसमें से वो होगा 2। अब हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, उसमें हमें गिवन है कि स्केयर रूट ऑफ 216 की पावर 2 ओवर 3 और इंटू 25 की पावर 1 ओवर 2 इंटू ओवर स्क्वायर से 0.04 की पावर है माइनस वन ओवर टू, इसको हमने इसमें से मुख्तसर करना है यानी इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए हम इसमें सबसे पहले इस टर्म को रफ करके देखते हैं 0.04 इज इक्वल टू 4 ओवर 100 और ये इसमें से फर्दर इक्वल टू हो जाता है 2 ओवर 50 यानी 1 ओवर 25, 216 को भी इसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं यानी 216 हमारे पास इसमें 2108 254 और आ जाएगा इसमें हमारे पास 2 और 7 यानी क्या आएगा इसमें से हमने ऐसा नंबर फाइंड करा जिसके हम क्यूब लें और साथ उसके साथ हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो 216 बनता हो, तो क्या होगा कि 2 की पावर अगर हम इसमें से 3 लें उसको 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 216 बनता है, तो ये इसकी पावर हो रहा जाएगी 2/3 इंटू उसमें से 25 हम जानते हैं 5 की पावर 2 इंटू वन नंबर टू और ये ओवर आ जाएगा हमारे पास 1/25 की पावर माइनस 1/2 और इस सारे की और पावर उसमें से हमारे पास आ जाती है 1/2 देन इसमें से 2 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 27 की पावर उसमें से 2/3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 1/2 ओवर उसमें से आ जाता है हमारे पास, अब अगर हम देख सकते हैं इसमें से 1/25 की पावर माइनस 1/2 इसको पॉजिटिव बना लेते हैं हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसमें से आगे फर्दर ये इसके साथ कट जाएगा ठीक है ये इसके साथ लिया तो क्या आ गया हमारे पास इसमें 2 की पावर 2 इंटू 27 उसकी पावर है 10 तो 27 हम जानते हैं इसमें 3 की पावर 3 इंटू आ जाएगा 2/3 इंटू उसमें हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर आ जाएगा इसमें हम 5 की पावर 2 लें तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें से इसके साथ कट जाएगा ये 2 के साथ गया 3 के साथ गया फर्दर हमारे पास आ गया 4 इंटू 5 इंटू उसमें से 3 की पावर 2 9 आ जाएगी ओवर 5 तो ये 5 के साथ गया तो ये हमारे पास इसमें से आ गया 36 इधर हमारे पास इसमें से ये पावर आ रही है 1/2 ठीक है इसको
ध्यान रखना, इसको बोल ध्यान वार्ड नंबर टू। तो ये हमारे पास उसमें से इसको हर टर्म में साथ लेकर आना है, और ये आ जाएगा उसमें वार्ड नंबर टू, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो होता है ये इक्वल टू हो जाएगा 6k। ये हमारे पास उसमें फाइनल आंसर। अब हम उसमें ऐसे क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर थ्री करेंगे, उसमें हमें क्या गिवन है कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर है 3, डिवीजन 5 की पावर 2, 2 को मल्टीप्लाई करना है इसको ऐसे 3 से, तो इसको हमने मुख्तसर करना है यानी सिंपलीफाई करना है। तो क्या उसमें इसको हम सिंपलीफाई इस तरह से करेंगे कि 5 की पावर 2 की पावर 3 जो होती है उसमें से यानी 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल टू होती है इसमें से 8 के, तो 5 की पावर 8 आ जाएगी, डिवीजन पावर्स आपस में इसमें से मल्टीप्लाई होती है तो ये इस तरह से आ गया। ये आगे स्टूडेंट्स फर्दर इक्वल टू होती है 5 की पावर 8, यानी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 6, और ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 6 5 की पावर 2 बेस एम पावर्स आपस में जमा होती हैं 5 6, तो ये इसमें से 6 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2 व्हिच इज इक्वल टू 25। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 4 में करते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें इसमें से कहा गया कि एक्स की पावर 3 और इस सारे की होल पावर है इसमें से 2, ठीक है, डिवीजन एक्स की पावर 3 और 3 की पावर है इसमें से 2, ठीक है, और एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको हमें इसमें सिंप्लीफाई करना है, तो जिस तरह हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया उसी तरह से अब हमने इसमें से एक्स की जगह पर 5 की जगह पर एक्स लिख दिया गया है बस। तो क्या होगा इसमें से ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है 6 आ जाएगा, डिवीजन एक्स की पावर आ जाएगी हमारे पास इसमें से अब 3 की पावर है 2, तो ये होती है 9, ठीक है, तो ये आगे इक्वल टू आ जाता है हमारे पास इसमें दिस और एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर हम इधर से 6 अदा कर सकते हैं, और ये 3 पावर बेस से में पावर जमा होकर फिर 9 आ जाती है, तो ये इसमें इसके साथ कट जाएगा, तो 1 ओवर एक्स की पावर 3 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जो नंबर होते हैं 2 6 216 और 90 64 9, इनको हम स्टूडेंट्स स्केयर के फॉर्म में और क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह से 243 को हमने स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई किया इधर, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर मुझसे कोई इधर बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी हो तो आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।